Hello dear students, today I am going to teach you our next part of computer subject. So, जैसे students हमने पिछले lecture में chapter 6 complete किया था, we have completed chapter 6 in previous lecture. Now today I am going to teach you chapter 7 in computer subject. So, chapter 7 name more on internet. चैप्टर 7 जिसका टाइटल है नेम है मोर ऑन इंटरनेट. तो यहां पर देखा जाए द इंटरनेट ऑफर्स वेरियस यूजफुल सर्विसेज लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चैटिंग एंड ऑनलाइन शॉपिंग अदर देन ईमेल एंड सर्चिंग इंफॉर्मेशन. आप जानते हो ना इंटरनेट का क्या यूज है. इंटरनेट के जरिए ही आप यहाँ पर ई लर्निंग में ऑनलाइन आप यूट्यूब व्हाट्सएप के जरिए पढ़ रहे हो. इतना इंटरनेट युग है आज. आज का फोर्थ जनरेशन है हमारे इंडिया में. इंटरनेट का फोर्थ जनरेशन चल रहा है, 4G इंटरनेट. जैसे आप सब देख रहे हो कैसे पूरा वर्ल्ड आज इंटरनेट से दूसरों के साथ घर में बैठे बैठे ऑफिस में बैठे दुनिया के कोई भी कोने में बैठे बैठे दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है. इंटरकनेक्ट इंटरनेट मीन्स इंटरनेटवर्क्स. गूगल, याहू, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कितनी सारी गेम्स हैं, वीडियो, ये सब पूरा देख रहे हो. पूरा आज इंटरनेट पर चल रहा है. कितने सारे काम इंटरनेट के जरिए हो रहा है. एजुकेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, टीचिंग से लेकर ट्रेनिंग तक, मेडिकल साइंस का काम हो, रिसर्च का काम हो, इन्वेंशन का काम हो, अरे कोई भी फैक्टर में जाए, कोई भी सेक्टर में जाए, चाहे वो आर्मी, मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस के रिलेटेड हो, चाहे वो रिसर्च का टास्क हो, ऑफिस हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो, ऑनलाइन बिजनेस, शॉपिंग हो, ठीक है, सारी चीजें आज इंटरनेट पर जुड़ी हुई है और इंटरनेट से ही क्रिएट हुई है, डेवलप हुई है. इंटरनेट की काफी सारी सर्विस है. एक गूगल पे इंफॉर्मेशन सर्च करने से लेकर ऑनलाइन परचेस तक काफी सारी चीजें हैं. अभी तो यहाँ यूट्यूब लर्निंग में पहुंच गए, ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ठीक है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, दूसरे को कॉल कर सकते हैं वीडियो और व्हाट्सएप के जरिए, अन्य टेक्नोलॉजी के जरिए, ठीक है, Zoom, Google Meet, इतने सारे एप्लीकेशन, वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैटिंग, मैसेजिंग, रिप्लाई, शॉपिंग, जैसे आप देख रहे हो ऑनलाइन शॉपिंग, घर बैठे बैठे परचेस कर सकते हो और घर बैठे बैठे ही प्रोडक्ट घर पे मंगवा सकते हो. घर बैठे ही प्रोडक्ट की डिलीवरी आपके घर हो जाएगी बिना पैसे, कैश ऑन डिलीवरी, पैसे भी घर पे आते हैं प्रोडक्ट तक ही देंगे. Amazon, Flipkart, स्नैपडील है, इतनी सारी साइट्स है, वेबसाइट है, नंबर ऑफ वेबसाइट आप देख लो. घर बैठे बैठे आप पेमेंट कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, कोई भी बिल भर सकते हो, कितनी सारी चीजें, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ठीक है, अपने रिलेटिव को मैसेज, कोई डॉक्यूमेंट्स, फाइल भेज सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो. सो इंटरनेट की कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है गूगल में देख सकते हो, कोई टेक्नोलॉजी का पढ़ने का वीडियो देखना है यूट्यूब में सर्च कर सकते हो, पीडीएफ ले सकते हो, फोटो डाउनलोड कर सकते हो, इतनी सारी चीजें आज इंटरनेट के जरिए इंटरनेट सर्विस के तौर पर हो रही है. रिकैप ऑफ इंटरनेट टर्म्स एक बार इंटरनेट टर्म्स देख लेते हैं. इसमें सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब. World Wide Web. It is a collection of linked or interlinked documents or pages stored on millions of computers and distributed across the world. So it is a collection of linked documents. World Wide Web is a web page, website or application से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए. चाहे वो पेज हो,
millions of computers हो, documents हो, on the across the world, पूरे अर्थ में आप चले जाओ. So it is a world wide web, it is an internet service. Next one is web page. Web page, the document available on world wide web are known as web pages. जो इंटरनेट पर वर्ल्ड वाइड वेब पर जो पेजेस होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यहाँ पर उसको हम वेब पेज और वेब पेजेस के नाम से जानते हैं. अ वेब पेज इज वेब बेस्ड फाइल दैट कंटेन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग टैग्स ग्राफिक्स ऑडियो एंड वीडियो. क्या है वेब पेज? वेब पेज फाइल है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं, टैग्स हो, चाहे ग्राफिक्स हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, एनिमेशन हो, सारी चीजें. ठीक है, इट कंटेन्स सो मेनी थिंग्स. अ वेब पेज कंटेन्स अ सो मेनी थिंग लाइक टैग्स, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन एक्सेट्रा. द वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट आर लिंक्ड टुगेदर बाय हाइपरलिंक्स. जो लिंक होती है हाइपरलिंक, उसके जरिए ये वेब पेजेस एक दूसरे के साथ इंटरनली जुड़े होते हैं. द हाइपरलिंक्स आर द टेक्स्ट और इमेज दैट आर कनेक्टेड टू अदर डॉक्यूमेंट्स. क्या है हाइपरलिंक? तो टेक्स्ट और फोटो है, इमेज जो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ जुड़ी है. एंड इनेबल्स द यूजर टू जंप फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर बाय क्लिकिंग ऑन देम. जो यूजर को इनेबल करते हैं, परमिट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है, एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करने के लिए फॉरवर्ड होने को. सो इट इज नोन एज वेब पेज. देन वेबसाइट. सो व्हाट डू यू मीन बाय वेबसाइट? आप देखते हो ना, गूगल, याहू, फेसबुक, यूट्यूब, ठीक है. अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज is known as a website. Collection of related web page. ठीक है, ज्यादातर वेब पेज एक दूसरों के साथ जुड़े होते हैं, लिंक, उसको हम collection of web pages is known as website. The web pages of website are linked together. The web pages of website are linked together. जो website web pages हैं, website के, वो एक दूसरों के साथ connected होते हैं, जुड़े होते हैं. And share a common theme, look and feel. वो क्या share करते हैं? Common theme, look and feel. जो common theme को, common looks and common feel. उसका outlook और उसका feel और themes, background themes, उसको वो represent करते हैं. Next point, homepage. When you open any website, the first page that is displayed is known as the homepage. जब आप कोई भी website open करते हो, तब उसमें जो first page दिखाई देता है, वो आप उसको homepage बोलते हैं. It provides the basic information about the website. वो क्या करता है? Website के बारे में basic information provides करता है about the website. And may contain links to other pages related to the website. और जो वेब पेज एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, उसकी लिंक्स कंटेन करता है, प्रोवाइड करता है दिस पेज. सो दिस इज द होम पेज, द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट व्हिच इज कनेक्टेड विद द और अनदर पेज और अनदर डॉक्यूमेंट और लिंक ऑफ पेज. Then after web browser, a web browser is a software application cover which provides an interface to find, retrieve, view and send information over the internet. जो एक software application है, जिसके जरिए आप information को find, receive, view and send कर सकते हो internet के जरिए. एक interface है जिसके जरिए बच्चों आप इंफॉर्मेशन को
सेंड रिसीव टू अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं। जो है हमारी वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, ये सारे वेब ब्राउजर हैं, पॉपुलर वेब ब्राउजर जिसके जरिए बच्चों आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, वेबसाइट और वेब पेज को सर्च करते हो, इस्तेमाल करते हो, देखते हो। अब वेब ब्राउजर्स में भी टेक्स्ट बेस्ड और ग्राफिकल, वेब ब्राउजर है यहाँ पे टेक्स्ट बेस्ड टेक्स्चर होता है ब्लैक एंड व्हाइट, और ग्राफिकल भी हो सकते हैं जिसमें आपका ये सारा ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो, इमेज एनिमेशन सारी चीजें। टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर्स कैन डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट एंड इंफॉर्मेशन। टू टाइप्स के ब्राउजर है, पहला टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर्स, नंबर टू ग्राफिकल वेब ब्राउजर्स, टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर्स एंड सेकेंड वन इज ग्राफिकल वेब ब्राउजर्स। दो तरह के वेब ब्राउजर्स होते हैं। टेक्स्ट बेस्ड में क्या होता है, डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट इंफॉर्मेशन, जो सिर्फ टेक्स्चुअल अल्फाबेट नंबर सिंबल्स यानी टेक्स्चुअल इंफॉर्मेशन दिखाते हैं। व्हाइल ऑन द अदर हैंड बल्कि दूसरी साइड ग्राफिकल वेब ब्राउजर्स के डिस्प्ले टेक्स्ट एज वेल एज ग्राफिक्स। ग्राफिकल वेब ब्राउजर्स क्या करते हैं, टेक्स्ट भी दिखाते हैं, ग्राफिक्स भी दिखाते हैं, मतलब ऑडियो, वीडियो, इमेज एंड एनिमेशन। फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ ग्राफिकल वेब ब्राउजर। फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, ग्राफिकल वेब ब्राउजर। किसने डेवलप किया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया हुआ ग्राफिकल वेब ब्राउजर, क्योंकि हमें वेब ब्राउजर अलग अलग डिफरेंट कंपनीज उसको डिजाइन डेवलप करती है एंड इंक्लूड अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। और इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इन बिल्ट किया है, सो इट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एंड पार्ट ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स टोकन, यूनिफॉर्म IU for URL Uniform Resource Locator, ठीक है, उसको Universal Resource Locator के नाम से भी जाना जाता है। The internet contains millions of web pages, each web page has a unique address for URL which enables the web browser to locate the web page of it। उसका address, website का address, उसके link, जिसको हम क्या बोलते हैं, URL, Uniform या तो Universal Resource Locator। जो वेब पेज और वेबसाइट की लिंक होती है ऊपर एड्रेस बार में, उसका एड्रेस होता है, उसको हम जो लिंक के जरिए हम कोई वीडियो, कोई वेब पेज और वेबसाइट देख सकते हैं, रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, रिसीवर कर सकते हैं, उसको URL बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स, ठीक है। उसके बाद है बच्चों सम मॉनिंग इंटरनेट टर्म्स, जिसमें डाउनलोड एंड अपलोड, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन protocols and domain names, ये सारी चीजों को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर 7 मोर ऑन इंटरनेट देखा, इंटरनेट की डेफिनेशन देखी, कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है, इंटरनेट के बेसिक टर्म्स देखे, जैसे सबसे पहले हमने वर्ल्ड वाइड वेब देखा ट्रिपल डब्ल्यू, फिर हमने वेब पेज देखा, फिर देन वी हैव सीन वेबसाइट, होम पेज, वेब ब्राउजर्स दो टाइप के, टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर एंड ग्राफिकल वेब ब्राउजर्स, ठीक है। उसके बाद यूआरएल देखा, यूनिफॉर्म और यूनिवर्सल रिसोर्स टोकन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बच्चों ये सारे इंटरनेट के आगे के टर्म्स हैं जो हम देखेंगे, तब तक सारी चीजें आप देखते रहिए, जो रिपोर्ट पेंसिल से बुक में अंडरलाइन करते रहिए।
और फेसबुक पे भी जो भी वांट्स।